हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 6, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसका लिंक जो है वो विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजल हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज PFRDA, नेशनल पेंशन सिस्टम असेट अंडर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस -% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये ग्रोथ आपकी है 30.5%, ठीक है, एज पर द डेटा रिलीज बाय PFRDA। ठीक है, नाउ अगर परसेंटेज की यहाँ पे बात की जाए तो ये ग्रोथ आपका लगभग है 11.73 लाख करोड़ का इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, जो अगर हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2023 से, तो 2023 में कितना था, 8.98 लाख करोड़, वेरस 2024 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में, ये आपका 11.73 लाख करोड़ का हो गया था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो रजिस्टर किए हैं, ऑनबोर्ड किए हैं एनपीएस में, ये आपके हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.10 लाख। ठीक है, वेयर एज न्यू सब्सक्राइबर जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से आते हैं, ये है 9.47 लाख। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये आपके सब्सक्राइबर हैं, न्यू सब्सक्राइबर। ठीक है, इसके अलावा जो ये डेटा है, एज पर मार्च 31, 2024, द टोटल नंबर ऑफ एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर जो है, ये इंक्रीज हुए हैं। कितना इंक्रीज हुए हैं, 16.28% एंड विच इज इक्वल्स टू योर 7.36 करोड़। ठीक है, तो इतने यहाँ पे सब्सक्राइबर जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, नाउ आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो PFRDA जो है, इसके चेयरपर्सन है दीपक मोहंते, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली दिल्ली में, और इसे 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट डेटा बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जॉइंट प्लांट कमेटी दैट इज जीपीसी इन अप्रैल 2024, इंडिया इंपोर्टेड -1 मिलियन टन्स ऑफ फिनिश्ड स्टील इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना स्टील, कितना फिनिश स्टील जो है वो इंपोर्ट किया गया है इंडिया के द्वारा, तो ये आपका है 8.319 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, कितना है, 8.319 मिलियन मेट्रिक टन है। क्लियर है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 में स्टील कितना इंपोर्ट किया गया था, तो ये आपका है अप टू विच इज अप बाय 38.1% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 से अगर कंपेयर करें यहाँ पे। ठीक है, स्टील कंजप्शन इंडिया में ये भी आपका इंक्रीज हुआ है, इट जम्प्ड टू 13.4% टू 136 मिलियन मेट्रिक टन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। वेयर एज फिनिश स्टील एक्सपोर्ट कितना हुआ है इंडिया से, ये भी आपका बड़ा है, एंड इट इज इंक्रीज टू 7.48 मिलियन टन्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024, विच इज अप फ्रॉम विच इज अप 11.5% एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, अब इंडिया का क्रूड स्टील आउटपुट की बात करें तो ये भी बड़ा है, कितना परसेंट, 12.40% से बड़ा है, विच इज 138.48 मिलियन मेट्रिक टन्स। ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 2024। क्लियर है, अब यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, इंडिया का एम क्या है कि हमें एनुअल स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है अपनी 2030 तक 30 मिलियन टन्स करनी है, एंड पर कैपिटा स्टील कंजप्शन जो है 160 केजी करनी है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2024 द एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स वॉज लॉन्च इन विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कौन से इनमें से IIT है जिसमें लॉन्च किया गया था एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल 100 5G लैब्स का, तो ये लॉन्च किया गया था IIT मद्रास में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनकरेज करना या फॉस्टर करना स्किल्स एंड एंगेजमेंट इन अ 5G टेक्नोलॉजी अमंग स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप कम्युनिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म किस चीज का, फॉर इश्यूएंस ऑफ अ लाइसेंस थ्रू द स्पेसिफिक अप्रूवल टाइप एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस फॉर 100 5G लैब्स ऑन NSWS पोर्टल। तो देखो, इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है कि जो लाइसेंस इशू करना होता है उसके मैकेनिज्म को थोड़ा जो है सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, एक्सप्रेशन है, विच ओलंपिक चैंपियन हैज बीन नेम्ड एम्बेसडर फॉर TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2024। तो इनमें से कौन सी ओलंपिक चैंपियन है जिनको यहाँ पे एम्बेसडर बनाया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है डेमे वेलरी एडम, जो न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शी इज अ 4-टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 2-टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन शॉर्टपुट
एंड इन्हें अभी इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है 16th एडिशन ऑफ TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु कर्नाटका का। ठीक है, अब इनके बारे में जाने तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीते हैं 2008 और 2012 में। ठीक है, 2008 में बीजिंग ओलंपिक गेम्स में जीता था और 2012 में समर ओलंपिक में जो लंडन में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था 2016 का समर ओलंपिक जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में। ठीक है, एंड ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 2020 के समर ओलंपिक जो टोक्यो में आपका हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। इसके अलावा शी इज अ 3-टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स विनर इन 2006, 2010, 2014। ठीक है, एंड ये फर्स्ट वुमेन बनी है टू विन दी शी बिकेम दी फर्स्ट वुमेन टू विन 4 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल इन अ वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो आपकी 2007, 2009, 2011, 2013 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा 2014 में शी वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर टाइटल। ठीक है, तो ये टाइटल भी इन्हें 2014 में दिया गया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 द सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड साइन अ 2-ईयर MOU विद विच कंपनी टू प्रमोट UPI फॉर इंडियंस इन सिंगापुर। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया है, ठीक है, किसके साथ, सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के साथ 2 साल के लिए ताकि ये प्रमोट कर सके UPI को फॉर इंडियंस इन सिंगापुर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस कंपनी का नाम है फोनपे। फोनपे के साथ ये MOU साइन हुआ है जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं जिनका एग्जिस्टिंग इंडियन बैंक अकाउंट है वो इजीली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ठीक है, अब सिग्नेटरीज की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ STB जो है जिनका नाम है मेलिसा ओ एंड रितेश पाई जो CEO हैं आपके फोनपे इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस के, इन दोनों के बीच में ये साइन हुआ था MOU। ठीक है, नाउ फोनपे की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और 2016 में इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो जो MOU साइन हुआ था इन दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द सागर सम्मान वरुण अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ऑन ओकेजन ऑफ अ 61st नेशनल मैरिटाइम डे। तो 61st नेशनल मैरिटाइम डे के बारे में हमने पढ़ा था, ये 5th अप्रैल को मनाया गया था, 5th अप्रैल 2024 को मनाया गया था। ठीक है, अब इस ओकेजन पे कौन से इनमें से पर्सनालिटी है जिनको सागर सम्मान वरुण अवार्ड दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है धीरेन्द्र कुमार सन्याल। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ सागर सम्मान अवार्ड फॉर एक्सीलेंस भी दिया गया था। किनको दिया गया था, कैप्टन कमलकांत चौधरी को। सागर सम्मान अवार्ड फॉर गैलेंट्री ये दिया गया था कैप्टन सुबीर शाह और कैप्टन ओम दत्ता को। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा NMDC अवार्ड जो है वो भी दिए गए थे फॉर आउटस्टैंडिंग मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन होते हैं एंड एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है फॉर देयर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मैरिटाइम इंडस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे पहला आपका अवार्ड है रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंडियन एम्प्लॉयर ऑफ अ सी फेरर्स। ठीक है, ये दिया गया है द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, रिकॉग्निशन फॉर आउटस्टैंडिंग मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर पहली कैटेगरी की बात करें तो प्री सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग कोर्सेज फॉर ऑफर ऑफिसर कैडेट। ठीक है, नॉटिकल्स एंड इंजीनियरिंग पहला आपका इसमें जो इंस्टीट्यूट है इट इज एंग्लो ईस्टर्न मैरिटाइम अकेडमी। ठीक है, फ्रॉम महाराष्ट्र टोलोनी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, देन द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज फ्रॉम अगेन लोनावला महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है पोस्ट सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग कॉम्पिटेंसी कोर्सेज। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम ट्रेनिंग तिदल पार्क इन दी चेन्नई तमिलनाडु, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम ट्रेनिंग किलपॉक चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है FOSAMA मैरिटाइम इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये यहाँ पे विनर रहे थे। इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरेन एम्प्लॉयर्स ऑफ द इंडियन सी फेयरर्स इस कैटेगरी में बात की जाए तो शिप बोर्ड ब्रेथ बिटवीन 501 to 1000 ग्रॉस टोनेज इसमें पहला आपका अवार्ड है विनर है BW मैरिटाइम प्राइवेट लिमिटेड देन सनटेक क्रू मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है शिप बोर्ड ब्रेथ अबव 1000 GT ग्रॉस टोनेज तो इसमें पहली आपकी विनर है सिनर्जी मैरिटाइम प्राइवेट लिमिटेड, नेक्स्ट है एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड MSC क्रूइंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल विच इंडियन नेवल शिप वॉज अवार्डेड द ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन 23-24 फॉर इट्स सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तो यहाँ पे INS शारदा जो है इसको ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन 23-24 दिया गया था, जो आपका बिलोंग करता है सुकन्या क्लास से। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? सुकन्या क्लास पेट्रोल वेसल है आपका ये, ठीक है। अब फरवरी 2024 में एक घटना हुई थी जहाँ पे जो ईरानियन फिशिंग वेसल है ओमारी, उसको होस्टेज बना लिया गया था पायरेट्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया से, ठीक है, जहाँ पे 19 मेंबर क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 11 ईरानी थे और 8 पाकिस्तान थे, ठीक है। तो इनको यहाँ पे बचाया गया था, सेफ रिलीज इनका किया गया था, इस वजह से INS शारदा को ये ऑन द टॉप ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन 23-24 दिया गया है। इससे पहले यहाँ पे INS सुमित्रा को भी ये दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। नाउ नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2024 द साइमन हैरिस वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री। तो कौन सी कंट्री के ये आपके प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं? तो आंसर आपका यहाँ पे है, इट इज आयरलैंड, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या आयरलैंड आप बोल सकते हो। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आप साइमन हैरिस जो है ये यंग पीएम बने हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के, एंड ये आपकी पोस्ट होल्ड करेंगे टिल दी मार्च 2025, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किसे किया है? लियो वाराडकर को, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन अप्रैल इंडियाज जगजीत पवाडिया वॉज री इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर डैश टर्म फ्रॉम 2025 to 2030, ठीक है। तो रिसेंटली जगजीत पवाडिया जो हैं, इनको इनके थर्ड टर्म के लिए 2025 से 2030 तक के ला जो इनका टर्म है, थर्ड टर्म, उसके लिए अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तीसरी बार ये अपॉइंट की गई हैं। पहला इनका जो टर्म था वो 2015 से 2020 तक का था, फिर 2020 से 25 तक का, एंड नाउ 2025 से 2030 तक का टर्म इनका रहेगा, क्लियर है। शी ऑल्सो सर्वड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ INCB फ्रॉम 2021 to 2022, ठीक है। नाउ अब इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है आपकी, जो ओवरसी करती है यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज को, ठीक है, उनके इंप्लीमेंटेशन में बेसिकली, ठीक है। अब इसे एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1968 में अंडर दी सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, एंड इसमें 13 मेंबर्स आपके होते हैं, विच इज इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और ये हर 5 साल में इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब करंट प्रेसिडेंट की हम बात करें तो करंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है जलाल तौफीक, जो मोरक्को से बिलोंग करते हैं, ठीक है। INCB के प्रेसिडेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया टैक्स फोरम ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ठीक है। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको अपॉइंट किया गया है चेयर यूनाइटेड नेशन इंडिया टैक्स फोरम का? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम क्या है? इनका नाम आपका है तरुण बजाज, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो तरुण बजाज हैं, ही इज अ फॉर्मर रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो थे, ठीक है। ही इज ऑल्सो सर्विंग एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, UHUL के ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं, एंड ही जॉइन एज अ एडवाइजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ USISPF इन जनवरी 2024, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ड सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेम्ड TSAT-1A वॉज रिसेंटली इन अप्रैल लॉन्च ऑन द बोर्ड SpaceX Falcon 9 रॉकेट। द TSAT-1A इज बिल्ड बाय विच कंपनी? तो ये यहाँ पे बिल्ड की है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और TS जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, इन्होंने इसे बिल्ड किया था वेमंगल फैसिलिटी इन कर्नाटका इन कोलाबरेशन विद द सैटेलॉजिक, ठीक है। नाउ जो TSAT-1A है, इसके बारे में बात करें तो इसका वेट जो है वो लेस देन 50 kg है, एंड इट इज अराउंड 0.5 to 0.8 meter रेजोल्यूशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश फिजिसिस्ट पीटर हिग्स रिसेंटली इन अप्रैल पास्ट अवे, इन विच ईयर ही वॉज ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज? तो इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था 2013 में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया था विद द बेल्जियन फिजिसिस्ट फ्रांसिको एंगलर्ट, ठीक है, फॉर देयर थ्योरेटिकल डिस्कवरी ऑफ अ मैकेनिज्म दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ द मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। इसके अलावा 2015 में भी इन्हें रॉयल सोसाइटी कॉपले मेडल दिया गया था, 2013 में एडिनबर्ग मेडल, ठीक है, देन 2004 में इन्हें वॉल्फ प्राइज दिया गया था जॉइंटली विद द रॉबर्ट ब्रॉट एंड फ्रांसिस फ्रांसिकोस एल्गर्ट, ठीक है, एंगलर्ट, एंड 19
97 में इनको अगेन हाई एनर्जी एंड पार्टिकल फिजिक्स प्राइज दिया गया था, और इनके साथ और कौन से आपके जो थे फिजिसिस्ट थे जिनको ये अवार्ड जिनके साथ इन्होंने शेयर किया था, इट इज रॉबर्ट ब्रॉट एंड फ्रांसिसो एंग्लर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम 10th ऑफ अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई 10th ऑफ अप्रैल को। एंड इस बार की थीम आपकी क्या थी, इट इज होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली। ठीक है, अब जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है ये बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी होती है आपकी सैमुअल हैनेमन की। ठीक है, ही वॉज अ जर्मन फिजिशियन एंड केमिस्ट हु इज रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को जो है हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और इस बार ठीक है 2024 में जो है 269th बर्थ एनिवर्सरी हमने इनकी ऑब्जर्व की थी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इस होम्योपैथी डे पे इंडिया में क्या क्या इवेंट हुए थे। ठीक है, तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 2-डे साइंटिफिक कन्वेंशन को इनॉग्रेट किया था एट यशोभूमि कन्वेंशनल सेंटर जो आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, इट इज ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। ठीक है, जो आपका बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आ जाता है। एंड इसकी थीम क्या थी, एम्पावरिंग रिसर्च एनहांसिंग प्रोफिशिएंसी अ होम्योपैथिक सिंपोसियम। ठीक है, इस इवेंट के दौरान प्रेसिडेंट ने फैसिलिटेट किए थे 8 पद्मा अवार्डीज को। ठीक है, फर्दर 17 सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी एंड पब्लिकेशंस वर आल्सो रिलीज्ड। ठीक है, अब इस कन्वेंशन का एम क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, तो पहला ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में एंड हेल्थ प्रोग्राम्स में। ठीक है, देन कैपेसिटी द होम्योपैथी कम्युनिटी इन रिसर्च बेस्ड थेरापेटिक्स, देन बिकेम द हेल्थ केयर पावर हाउस मीटिंग द पॉपुलेशंस नीड फॉर पर्सनलाइज्ड सेफ एंड क्रेडिबल हेल्थ केयर। ठीक है, एंड द लास्ट इज एनरिच होम्योपैथिक मेडिसिन विद अ क्वालिटी डायग्नोसिस थेरेप्यूटिक्स एंड साइंटिफिक टूल्स फॉर बेटर पेशेंट आउटकम्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल हैबिटाइटिस रिपोर्ट 2024 डैश बिकम्स द सेकंड मोस्ट डेंजरस डिजीज कॉजिंग मोर डेथ्स आफ्टर ट्यूबरक्लोसिस। तो देखो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डेथ कॉजिंग जो डिजीज है वो है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाती है हेपेटाइटिस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट का पूरा नाम है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 एक्शन फॉर एक्सेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज विच वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट 2024 जो आपके लिस्बॉन में हुई थी पुर्तगाल में। ठीक है, अब जो समिट थी इसे ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड हेपेटाइटिस अलायंस ने विद द सपोर्ट ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ पुर्तगाल विद द थीम इंटीग्रेट एक्सिलरेट एंड एलिमिनेट। क्लियर है, अब जो रिपोर्ट है इसे डेवलप किया था WHO डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल HIV हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन प्रोग्राम्स। ठीक है, देन विद द डिपार्टमेंट ऑफ जॉइंटली विद द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन वैक्सीन एंड बायोलॉजिकल एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन एंड प्री इक्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर इसे डेवलप किया था। क्लियर है, नाउ हाइलाइट्स देख लेते हैं इस रिपोर्ट की। जैसे इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि यहाँ पे एनुअली 1.3 मिलियन लोग्स की डेथ होती है किससे, हेपेटाइटिस से। ठीक है, जिसमें से 83% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है हेपेटाइटिस बी का और 17% रहता है हेपेटाइटिस सी का। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरी डे 3,500 पीपल्स आर डाइंग ग्लोबली ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शंस। ठीक है, दिस रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट इन 2022 254 मिलियन हैड हेपेटाइटिस बी एंड 15 मिलियन पीपल हैड हेपेटाइटिस सी। तो ये दोनों ही जो आपके वर्जन है ये बेसिकली बहुत सारी डेथ का कारण बनते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे सेकेंड मोस्ट डेंजरस डिजीज कहा गया है जिससे डेथ होती है। ठीक है, नाउ 10 कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, चाइना, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, द फिलीपींस, रशियन फेडरेशन एंड वियतनाम, ये 10 आपकी ऐसी कंट्रीज हैं विच कलेक्टिवली अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ अ ग्लोबल बर्डन ऑफ अ हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, इसी वजह से इन्हें इन सारी कंट्रीज को क्या बोला गया है, ये 2/3 बर्डन है, ग्लोबल बर्डन है हेपेटाइटिस बी और सी का। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑब्जर्व इट्स डैश सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लेयर डे ऑन 9th अप्रैल 2024। तो यहाँ पे 2024 में 59th एडिशन जो है ये ऑब्जर्व किया गया था आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लेयर डे का।
ठीक है, ऑन 9th अप्रैल 2024, क्लियर है। नाउ इस डे को जो है शौर्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 9th अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल है करेंटली, इनका नाम है अनीश दयाल सिंह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू डेली इंडिया में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट का क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, अ टोटल ऑफ डैश किलोमीटर ऑफ अ नेशनल हाईवेज वर कंस्ट्रक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने डेटा रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 12,349 किलोमीटर की जो रोड है या जो नेशनल हाईवेज हैं वो क्रिएट की हैं, वो कंस्ट्रक्ट की हैं। वेर एज यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है, ये सेकेंड हाईएस्ट फिगर है, इससे पहले इंडिया ने एक और रिकॉर्ड बनाया था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ये रिकॉर्ड आपका था 13,327 किलोमीटर्स का, ठीक है। यहाँ पे 2021 में 13,327 किलोमीटर की जो नेशनल हाईवेज है वो बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे आप जो है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग देख सकते हो कितने किलोमीटर्स की रोड यहाँ पे बनाई गई हैं, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं आपके एक न्यूज की जो आपके मार्च के मंथ की है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक पायलट प्रोग्राम फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, ठीक है। तो जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम होते हैं उनके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट की ट्रीटमेंट के करने के लिए पायलट प्रोग्राम यहाँ पे चलाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पायलट प्रोग्राम है ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा चंडीगढ़ में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कर रहे होंगे एक्सीडेंट विक्टिम का, उसे यहाँ पे रिइंबर्स किया जाएगा फ्रॉम द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, ठीक है। किससे किया जाएगा? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से, तो ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे की हाईलाइट क्या है कि जो पायलट प्रोग्राम है ये प्रोवाइड करेगा कैशलेस ट्रीटमेंट रोड एक्सीडेंट विक्टिम को अप टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1.5 लाख पर एक्सीडेंट, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वो कौन सी है? इट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। ये आपकी पायलट प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है एंड ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगी पुलिस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, स्टेट हेल्थ एजेंसी हो, या जितने भी यहाँ पे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन नीडेड होंगे उनसे ये कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज कोलैबोरेटेड विद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया टू ट्रांसफॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS इकोसिस्टम एंड टू एनहांस हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल बेनिफिशरीज। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है 5 साल के लिए, ठीक है। ये कोलैबोरेशन आपका है 5 ईयर्स का एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इकोसिस्टम को, ठीक है, और एनहांस करने के लिए हेल्थ सर्विसेज बेनिफिशरीज के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। अब इनका एम क्या है कि ये डिलीवर करें रॉबर्स्ट एफिशियंट एंड ट्रांसपेरेंट CGHS सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को ये आपका डिलीवर करें, ठीक है। नेक्स्ट है, द यूरोपियन यूनियन एंड डैश कंट्री हैज लॉन्च द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू प्रमोट स्टार्टअप कोलैबोरेशन ऑन रिसाइकलिंग ईवी बैटरीज अंडर द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो यूरोपियन यूनियन के साथ इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने लॉन्च किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द इंडिया, इंडिया ने ये किया है, ठीक है। अब इनका एम क्या है इसको करने का? इनका एम है प्रमोट करना कॉर्पोरेशन बिटवीन योर यूरोपियन एंड इंडियन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस स्टार्टअप्स, किस चीज के लिए? इन अ क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है कि जॉइंट ईयू इंडिया मैच मेकिंग इवेंट जो है ये स्केड्यूल किया गया है आपका जून 2025 में, ठीक है, एंड इट इज फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन एंड सपोर्टेड बाय द Office of Principal Scientific Advisor to the Government of India, ठीक है। अब जो इवेंट होगा, इस इवेंट में जो है टोटल 12 स्टार्टअप्स यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 6 आपके यूरोपियन यूनियन के हैं, ठीक है, ये यूरोप से हैं और 6 आपके होंगे इंडिया से। अब इन दोनों में से 6 को फाइनल किया जाएगा, 6 फाइनलिस्ट यहाँ पे होंगे जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एज अ अवार्ड क्या होगा कि जो यूरोप के लोग हैं, जो यूरोप के स्टार्टअप हैं बेसिकली, वो इंडिया में विजिट करेंगे एंड वाइस वर्सा, ठीक है, ताकि ये एक्सप्लोर कर सके ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसी के साथ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल कौन है? चार्ल्स मिशेल। इनके प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन कौन है? इनका नाम है उर्सुला वोन देयर लेयन एंड हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल बेल्जियम में लोकेटेड है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज इंट्रोड्यूस द आधार एटीएम सर्विस फैसिलिटी फॉर कन्वीनियंट कैश विड्रॉल्स। तो यहाँ पे कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने इस फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस फैसिलिटी के थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो घर पे ही कैश मंगा सकेंगे। ठीक है, टू अवेल द कैश विदाउट विजिटिंग द बैंक और एन एटीएम एंड सिंपली अवेल कैश एट देयर डोर स्टेप विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन और अ ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, तो इनकी हेल्प से आपको कैश डोर स्टेप पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो कितनी रखी गई है, तो एनपीसीआई ने ये सेट की है 10,000 रुपीज। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एईपीएस इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, जैसे बैलेंस इंक्वायरी आप कर सकते हो, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट्स ले सकते हो और आधार टू आधार फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिक कवरेज। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसके एमडी सीईओ कौन है करंटली, इनका नाम है आर विश्वेश्वरन। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, स्टैब्लिश किया गया था 2018 में और इसकी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। फाइन, एनपीसीआई की बात करें तो एमडी सीईओ कौन है, इनका नाम है दिलीप अस्पे, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2024 टू -% इन इट्स एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2024। तो एडीबी ने जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट की है इंडिया की 2024 की। ठीक है, कितनी की है, 7% की गई है, अर्लियर इट वॉज 6.7%। ठीक है, पहले 6.7% थी, अब ये रेस करके 7% कर दी गई है। ठीक है, वहीं पे 2025 की अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट की गई है 7.2%। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, मासासुगु असकावा, हेडक्वार्टर्स का लोकेशन है मैंडलियोंग सिटी में। ठीक है, 1966 में से स्टैब्लिश किया गया था, टोटल कितने मेंबर हैं इसके, 68 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें एशिया की, तो इन्होंने यहाँ पे 2024 के लिए प्रोजेक्शन दी है, जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट दी है 4.9% एंड सेम फॉर दी 2025। ठीक है, इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन 2024 के लिए प्रिडिक्ट किया है 3.2%, 2025 के लिए ये रहेगा 3.2% 24 के लिए है और 3% 2025 के लिए है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज इन्वेस्टेड -$ मिलियन डॉलर इन आईबस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, किस चीज के लिए, बूस्ट करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में। ठीक है, तो कितना फंड है ये आपका है $200 मिलियन का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ NIIF क्या है, तो NIIF आपका इंडिया का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर है, वेयर एज आईबस की बात करें तो ये बैंगलोर बेस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है द नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद पॉलिसी बाजार टू ऑफर इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है पॉलिसी बाजार के साथ, ताकि इनके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं वो पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म पे विजिबल हो और वहां से लोग इसे खरीद पाए। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इन दोनों का टाइप हुआ है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए तो पॉलिसी बाजार के प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है सरबीर सिंह। ठीक है, सरबीर सिंह गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है और 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। नाउ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो एमडी एंड सीईओ इसके हैं संजीव राधेश्याम मंत्री, या संजीव आर मंत्री भी आप बोल सकते हो। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में, इसकी टैगलाइन है निभाए वादे और इट वॉज फाउंडेड इन 2001। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन अप्रैल विच फिनटेक कंपनी हैज पार्टनर्ड विद ई सेवा एंड HN पोखरा टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट थ्रू UPI ऑन अ नेपाल पेमेंट प्रोसेसर फोन पे नेटवर्क। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है, फिनटेक कंपनी जिसने पार्टनरशिप की है ई सेवा एंड HN पोखरन, जो नेपाल के आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज फोन पे, फोन पे ने किया है कोलैबोरेशन। अब ई सेवा क्या है, ई सेवा डिजिटल वॉलेट सर्विस है आपकी नेपाल की, एंड HAN क्या है, इट इज होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा और रीजनल एसोसिएशन ऑफ HAN नेपाल। नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अवार्डेड विद साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय द साउथ एशियन एसोसिएशन एट अ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्हें साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आंसर इज इनका नाम है अवंतिका वंदनापू। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था तेलुगु फिल्म्स में, जैसे आपके हो गए
ब्रह्मोत्सवम एंड मना मंथना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो स्पिन, जो आपकी डिज्नी ओरिजिनल मूवी है, उन्होंने यहाँ पे लीड रोल निभाया है, 2021 की मूवी है, और नेटफ्लिक्स की सीनियर ईयर 2022 सीरीज में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। वेर इज इंडियन इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी इन्होंने डेब्यू किया है विद द बिग गर्ल्स डोंट क्राई 2024, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंगमेर डी वॉस इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन, दैट इज ASOIF, ड्यूरिंग इट्स 48th जनरल असेंबली, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो इंगमेर डी वॉस जो है ये बिलोंग करते हैं आपके बेल्जियम से, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और जो आपका 48th जनरल असेंबली हुई थी ASOIF की, विच वॉज हेल्ड ड्यूरिंग दी स्पॉट एकॉर्ड वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड बिजनेस समिट, ठीक है। इट वॉज योर स्पोर्ट एकॉर्ड वर्ल्ड स्पोर्ट एंड बिजनेस समिट, ठीक है, जो 2024 की हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये आपकी हुई थी बर्मिंगम में, ठीक है, बर्मिंगम यूके में, ठीक है। तो यहाँ पे इस समिट के दौरान ये आपका सेशन हुआ था जहाँ पे इनको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक एसोसिएशन फेडरेशन, ठीक है। नाउ इनका जो टेन्योर रहेगा ये आपका 4 साल का रहेगा, ये 4 ईयर टर्म के लिए आए हैं, ठीक है। इनका टेन्योर आपका 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होएगा एंड ये रिप्लेस करेंगे फ्रांसिस्को रिकी बीटी को, जो इटली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनका टेन्योर कब खत्म होगा? 31st दिसंबर 2024 को, ठीक है। नाउ करेंटली ये आपके प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रेरियन फेडरेशन के, FEI के ये करंट प्रेसिडेंट हैं। नाउ ASOIF की बात करें, ASOIF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड्रयू रिवेन, ठीक है। हेडक्वार्टर है लुजान स्विट्जरलैंड में एंड इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1983 में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो हैज सेलेक्टेड डैश एज अ न्यू CMD ऑफ अ SIDBI। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो क्या है, क्या करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रिकमेंड करती है पर्सन को फॉर अपॉइंटमेंट, जैसे होल टाइम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना हो या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन को अपॉइंट करना हो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। नाउ अभी यहाँ पे जो मनोज मित्तल जी हैं इनको सेलेक्ट किया है इन्होंने एज अ न्यू CMD ऑफ SIDBI, ठीक है। और ये रिप्लेस किसे करेंगे? शिवा सुब्रमण्यम रमन को, जो करंटली सर्व कर रहे हैं, ठीक है। नाउ मनोज मित्तल जो है ये अभी करंटली सर्व कर रहे हैं MD&CEO IFCI लिमिटेड में, और इन्होंने 2016 से 2021 के बीच में डेप्यूटी MD भी ये रहे हैं SIDBI के, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो हैज अपॉइंटेड डैश एज अ MD ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक के MD कौन अपॉइंट किए गए हैं फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो द्वारा? इनका नाम है संजय शुक्ला। क्या नाम है इनका? संजय शुक्ला, ठीक है। और ये करंटली सर्व कर रहे हैं आपके MD&CEO सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, ठीक है। ये सक्सीड करेंगे सरादा कुमार होता को, फाइन। नाउ FSIB की बात करें तो उसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है भानु प्रताप शर्मा। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो संजय शुक्ला जी की, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ नेशनल जुडिशियल अकेडमी। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल अकेडमी? तो इनका नाम है अनिरुद्ध बोस, ठीक है, अनिरुद्ध बोस। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये रिसेंटली रिटायर हुए हैं सुप्रीम एज अ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था 2019 में, और अभी इनका रिटायरमेंट हो गया है, ठीक है। नाउ नेशनल जुडिशियल एकेडमी की बात करें तो इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। चेयरपर्सन है DY चंद्रचूड़। लोकेशन इसकी है आपकी भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द कंट्री दैट हैज साइन एन अग्रीमेंट विद द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन टू एडवांस सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून। इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है नासा के साथ एडवांस करने के लिए सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन को टू द मून? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज जापान। जापान ने यहाँ पे जो है अग्रीमेंट साइन किया है नासा के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे नासा की तरफ से बिल नेल्सन और जापान की तरफ से जापान के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने यहाँ पे जिनका नाम है मासाहितो मरियामा, इन्होंने ये अग्रीमेंट को साइन किया था, ठीक है।
नाउ इस अग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, इस अग्रीमेंट के तहत यूएसए जो है ये सेंड करेगा दो जापानीज एस्ट्रोनॉट को मून सरफेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे जापान का काम क्या रहेगा, ये डिजाइन करेगा, डेवलप करेगा और ऑपरेट करेगा प्रेशराइज रोवर को फॉर क्रूड और अनक्रूड एक्सप्लोरेशन ऑन द मून। और ये रोवर जो है ये बेसिकली अकोमोडेट करेगा दो एस्ट्रोनॉट को फॉर द थर्ड 30 डेज, ठीक है, ये क्लियर है। और जो नासा है, नासा प्रोवाइड करेगा लॉन्च और डिलीवरी ऑफ रोवर टू द मून, ठीक है। इवन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जापान के, दे विल टेक पार्ट इन द नासाज फ्यूचर आर्टेमिस मिशन, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये जो अग्रीमेंट साइन किया गया था इन दोनों ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो नेशनल सेफ मदरहुड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 11th of April को, ठीक है। अब 11th ऑफ अप्रैल को बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी होती है कस्तूरबा गांधी जी की, ठीक है। इसी वजह से हम नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाते हैं 11th ऑफ अप्रैल को। और 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी एंड इस बार 11th अप्रैल 2024 को हमने 155th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की है कस्तूरबा गांधी जी की, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।